आपसे कुछ वीडियो पहले हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब किया था और इसके टाइप के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी। हमें मालूम है कि जब भी कोई बॉडी मास m रखती हो और इन अ सर्कुलर पाथ फॉर रोटेशन शो करें, तो हम ये जानते हैं कि वो बॉडी जो है इन अ सर्कुलर पाथ एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करती होगी। हर बॉडी जो इन अ सर्कुलर पाथ मोमेंट शो करती है, उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम उस वक्त तक सेम रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर एक्ट ना हो। यानी कि अगर इस बात को हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेट करें, तो न्यूटन अपने पहले कानून में कहता है कि कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है, जिस भी हालत में मोमेंट शो कर रही है या रेस्ट में है, वो उसी स्टेट में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो जाए। अगर यही बात मैं सर्कुलर मोशन के लिए करूँ, तो सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स का जो रोल है वो टॉर्क अदा करता है सर्कुलर मोशन में। तो उसी बात को न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर हम इस जगह अप्लाई करें, तो हमें ये कहना चाहिए कि कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ सेम एंगुलर मोमेंटम फोर्स करती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर एक्ट ना किया जाए। हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, लास्ट टाइम हमने जिसका फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था, वो आई इंटू ओमेगा के बराबर था। और हमें ये भी मालूम है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो एम आर स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को की मिसालें देकर इसे समझाना चाहूँ, तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। मैं इसकी एग्जांपल अगर डाइविंग बोर्ड ले लूँ, एक डाइविंग बोर्ड जिसके ऊपर एक स्विमर खड़ा होकर उसको पुश करता है स्विमिंग करने के लिए, तो इस तरीके से ये डाइविंग बोर्ड होता है। अब इस डाइविंग बोर्ड में क्या होता है, ये जो पर्सन इस डाइविंग बोर्ड के ऊपर खड़ा होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये अपने वेट से इस बोर्ड को नीचे की तरफ पुश करता है, यानी ये इस पर रिएक्शन करता है एक्शन, और उसके जवाब में ये डाइविंग बोर्ड भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन ये देता है कि जितनी फोर्स से, जितने वेट से ये बॉडी इसे नीचे की तरफ पुश करती है, उतनी ही फोर्स से ये डाइविंग बोर्ड जो है इस बॉडी को अपर डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, अपर डायरेक्शन में मूव कराता है। अब इस मोमेंट के बाद क्या होता है कि हमारी जो बॉडी अपने आर्म स्ट्रेच कर लेती है, और स्ट्रेच करने के फौरन बाद इन कर्व पाथ इस तरह से रोटेट करती है कि जो सर्कल बनता है जिस कर्व में ये बॉडी ने अपने आर्म स्ट्रेच करने के बाद इन कर्व पाथ रोटेशन शो करनी है, इसकी उस रोटेशन में रेडियस ऑफ द सर्कल कम हो जाता है और इस बॉडी की जो मूवमेंट है, जिसे हम जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो इंक्रीज कर जाता है और जो रेडियस है वो डिक्रीज कर जाता है। और एक चीज़ के इंक्रीज करने और दूसरी चीज़ के डिक्रीज होने से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो रिमेन कंजर्व रहता है, वो जैसा था शुरू में वैसा ही सेम रहता है, ख्वाह हमारी एक चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ कम हो रही है। यानी कि मैं इस चीज़ को इस तरह से आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हमारी ये बॉडी ना कर्व पाथ रोटेट करती है, तो कर्व पाथ में रोटेशन की वजह से इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज कर जाता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। इस सिचुएशन वन और सिचुएशन टू में हमारी जो बॉडी है वो सेम है, उसका मास सेम है। यानी कि अगर इस पोजीशन में इसका मास m1 है, तो इस पोजीशन में जो इसका m2 है वो दोनों ही सेम है। इस पोजीशन में ये जो एंगुलर मोमेंटम l1 रखता होगा, इस पोजीशन में भी तो ये कोई एंगुलर मोमेंटम m2 रखता होगा। इस पोजीशन में भी स्ट्रेच करते वक्त इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, और इस पोजीशन पर भी इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। अगर मैं यूं कर लूँ कि हमारा l1 बराबर है l2 के, तो मुझे मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आई इंटू ओमेगा के एक्सप्रेशन के बराबर है। तो यहाँ पर आई वन ओमेगा वन, सिमिलरली आई टू इंटू ओमेगा टू है। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा आई वन जो है आई होता है वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस बॉडी में भी इस सिचुएशन में एम वन आ जाएगा आर वन इंटू ओमेगा वन, सिमिलरली सिचुएशन में हमारे पास जो है यहाँ पर एम टू आर टू का स्क्वायर इंटू ओमेगा टू आ जाएगा। अब ये बात को कीजिए कि इस पोजीशन पर भी तो हमारी बॉडी सेम ही है, और इस पोजीशन में भी हमारी वही वाली बॉडी जो है वो मूवमेंट शो कर रही है ना कर पाथ, तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो मास है वो सेम रहता है। कभी ये तो नहीं ना हुआ कि आप छत पर खड़े हैं तो आपका मास जो है वो 20 kg है, जैसे ही आप छत से छलांग लगाते हैं तो आपका जो मास है वो 40 kg हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसा मास आपका एक पोजीशन में है, दूसरी पोजीशन में भी हम आपका जो मास है वो सेम रहता है।
तो अगर हम ये कह दें कि इन दोनों सिचुएशन में जो हमारा मैथ्स है M1 बराबर है M2 के, इसे हम लोग कह देते हैं कि लेट कर लीजिए कि ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा अब जो एक्सप्रेशन है, अब हमारा मैथ तो कांस्टेंट है, तो अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दें कि जो दो चीज़ें वेरी करनी है वो तो आर स्क्वायर और ओमेगा, इन्हीं दोनों ने वेरी करना है और ये दोनों बराबर हो गई हैं अब कांस्टेंट के, क्योंकि मैथ को हम लोगों ने कांस्टेंट लेट कर लिया है। अब अगर हम यूं करें कि हम अपने ओमेगा को यहीं रहने दें और कांस्टेंट ये ऐसे ही रहेगा और 1/r² हो जाए, क्योंकि यार यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा तो ये डिवीजन में चले जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि फिजिक्स में जब इज इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट हो, या मैथमेटिक्स में इज इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट हो और 1/r² का फार्मूला हो, तो मतलब कि इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ की बात करें इज इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट की, तो इसे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन के रिलेशन से बदल सकती हूँ, डायरेक्टली का साइन लगा दूँ और 1/r², तो जो अब मेरी एंगुलर वेलोसिटी है वो मेरी r² के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेट करती है। ये साफ जाहिर है कि अगर कोई बॉडी ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करे तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उस वक्त ज़्यादा तेज हो जाती है जब उसका रेडियस जो है वो कम हो जाएगा, और रेडियस के बाद रेडियस का स्केयर मतलब कि और छोटा रेडियस हो जाए, तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर ये कोई बॉडी है उसका रेडियस आर है और ये वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस तरह पर चलिया जाए, तो जितना छोटा छोटा रेडियस होता चला जाएगा उस बॉडी की मूवमेंट जो है वो उतनी ही तेज होती चली जाएगी। अगर इसी तरह से मैं अर्थ और सन की एग्जांपल देके एंगुलर मोमेंटम समझाना चाहूँ तो वो भी बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। फर्स्ट कह लीजिए कि ये हमारा सन है जिसके अबाउट हमारी अर्थ ने रोटेट करना है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट जो है हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, और ये लीजिए ये हमारी अर्थ आ गई जिसने सन के अराउंड रोटेशन शो करनी है। ये मुझसे कुछ एग्जैक्ट गोल नहीं बन पा रहा है, बस यूँ फर्स्ट कर लीजिए कि जैसे कि हमारा सन है और ये हमारी जो है वो अर्थ है। एग्जैक्ट तो मुझसे सही डायग्राम नहीं बन पाई, लेकिन कुछ नहीं होता, हम लोग समझ ही रहे हैं, फर्स्ट कर लेते हैं ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब जो हमारी अर्थ है उसके लिए सन जो है ये फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के अबाउट हमारी जो बॉडी है हमारी अर्थ है वो हमेशा रोटेशन शो करती है। हमारी अर्थ का एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी इतनी बड़ी फोर्स नहीं है जो इस अर्थ पर फोर्स लगा सके, इस अर्थ को इस पर इतनी फोर्स लगा सके कि इसको अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स कर सके, क्योंकि हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उस सूरत में तब्दील होता है जब किसी बॉडी पर टॉर्क एक्ट करे। तो अभी तक इस यूनिवर्स में कोई इतना बड़ा टॉर्क तो आया नहीं कि वो इस अर्थ को हटा सके, इस अर्थ को किसी तरह किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट दे सके। ये इसीलिए हमारी अर्थ की एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही कि उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, कोई भी ऐसा टॉर्क नहीं है जो अर्थ पर एक्ट कर सके और इसको अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स कर सके। यही वजह है कि हमारी अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, और ये कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम के थ्रू ही हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है रोटेशन शो करती रहती है। सिमिलरली अगर मैं एक और एंगुलर मोमेंटम की एग्जाम्पल दूँ तो फर्स्ट कर लीजिए कि आप एक ऐसी चेयर पर बैठकर रोटेट कर रहे हैं जो कि रोटेट कर सकती है, रोटेटिंग चेयर है किसी टाइप की, इस टाइप की इस पर आप बैठ गए और आपने कुछ वेट लिया हुआ है। जब आपने ये वेट अपने हाथों से स्ट्रेच किया हुआ है तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रेडियस है इस फिक्स पॉइंट से ही होता है ना, ये फिक्स पॉइंट फर्स्ट कर लीजिए कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक चूंकि आप मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसी तरह आपने इस सर्कल में यूं ही मूवमेंट करनी है, तो ये आपका रेडियस हो गया। अब इस पोजीशन में, इस स्टेट नंबर 1 में आपका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर गया, और हमें मालूम है कि जो हमारा ओमेगा है उसका हमारे रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेशन है रेडियस के स्केयर के साथ। तो जैसे ही हमारा रेडियस बढ़ेगा तो इसका स्केयर भी बढ़ जाएगा, और इसका ओमेगा के साथ चूंकि इनवर्सली रिलेशन है तो जैसे ही हमारा रेडियस इंक्रीज करता है हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है।
इस स्टेट में, इस पोजीशन में जो हमारी बॉडी है वो स्लो डाउन मोशन शो करती है, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है, उसकी रोटेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर इस केस नंबर टू की बात की जाए तो इसमें भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसके ही अबाउट इसने रोटेट करना है। लेकिन अगर अब ये बॉडी इस तरह से करे कि ये रोटेशन शो करते करते अपनी जो स्ट्रेच आर्म है इसे टूवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या अपने सेंटर की तरफ ले आए, तो इस तरह लाने की वजह से हमारा जो रेडियस है ना आर वो डिक्रीज कर जाता है। जब आर डिक्रीज कर जाता है तो आर का स्क्वायर तो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो हमें मालूम है कि आई ओमेगा जो है, ओमेगा उसका आर रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेशन है। तो जिस तरह हमारा रेडियस कम होता है इस पोजीशन पे आके हमारी जो ओमेगा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ के कम होने से पहली चीज़ बढ़ रही है। तो इन दोनों, ये जो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं और हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है एल वो कंजर्व रह जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। वो जैसा का जैसे शुरू में था उसकी वैल्यू वैसी की वैसी ही एंड तक रहती है, जब तक कि बॉडी रोटेशन शो करती रहती है। सिमिलरली अगर मैं एक रोटेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम की एग्जांपल दूँ, फर्स्ट कर लीजिए ये वहाँ ये वो हमारा रोटेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम है जो कि सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन शो कर रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने लेट से एक गिलास रख दिया है, ये गिलास है। अब इसके अंदर मैं वाटरिंग वाटर की जो क्वांटिटी है, अगर ये वाटर इतना है मैं इसमें मजीद वाटर एडअप कर दूँ, यानी कि वाटर की क्वान्टिटी बढ़ा दूँ इसके अंदर, तो अब इस पोजीशन पे जिसका मास है मास वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर वाटर मजीद बढ़ा दिया। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पहली पोजीशन में, ये इसकी पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन में ये रोटेटिंग कॉस्टिंग ऐसे ही हमारे पास ये कोई चीज़ है, यानी कि एक ऐसी रोटेट कर सकती है किसी सम फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है ये रोटेटिंग कॉस्टिंग जो है सिस्टम। यहाँ पर हमने दोबारा वही गिलास बना लिया और इसमें फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट स्टेज में तकरीबन इतना पानी था, मैंने नेक्स्ट स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाल के उसके मास को जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब मास के इंक्रीज करने से इसके एंगुलर मोमेंटम पर क्या इफेक्ट हो सकता है? मास के इंक्रीज करने से एंगुलर मोमेंटम पर ये इफेक्ट होता है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन में वही बात आ गई कि जिसका रेडियस है, अब चूंकि ये गिलास का साइज दोनों पोजीशन में एक ही होगा और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके ऊपर ये ग्लास जो है मूवमेंट शो कर रहा है, उधर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो दोनों सिचुएशन में सेम ही होगा क्योंकि हम लोगों ने सेम साइज की गिलास इस्तेमाल की है। तो मुझे इस सिचुएशन में कहना चाहिए कि जो हमारा रेडियस है अब की बार वो कॉन्स्टेंट है, और अगर रेडियस कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास जो एम आर स्क्वायर ओमेगा का रिलेशन है उसे मुझे कह देना चाहिए कि ये कांस्टेंट के इक्वल है। अब की बार मुझे आर यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे ये कहना चाहिए है कि अब चूंकि आर कांस्टेंट है तो मेरा एम एम और ओमेगा जो है ये कांस्टेंट के इक्वल हो गया है। कांस्टेंट आर स्केयर लगा लें, आर स्केयर जो है ये कांस्टेंट हो गया है हमारा, तो अब हमारा जो एम आर है वो सब कांस्टेंट के इक्वल है। और अगर मैं ओमेगा और एम के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो ओमेगा एज इट इज यहाँ पर ही रहेगा, आर स्केयर चूंकि हम लोगों ने कांस्टेंट लेट कर लिया, आर स्केयर से कह दें, तो हम लोगों को अब ये करना चाहिए कि कांस्टेंट एज इट इज एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कम हो जाती है जैसे ही किसी बॉडी का मास इंक्रीज कर जाए, यानी कि अगर मैं इस ग्लास के अंदर वाटर एडअप करती जाऊंगी तो जो इसकी रोटेशन है, जो इसकी मूवमेंट करने की एंगुलर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ये स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर मैं इसका मास कम कर दूं तो चूंकि इसका मास कम होता जा रहा है तो मास और एंगुलर वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है, तो मास के कम होने से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और ये ग्लास जो है इस रोटेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम पर तेजी के साथ मूवमेंट शो करता है। इसी तरह फर्ज कर लीजिए कि जैसे एक डिस्क होती है जो रोटेट कर रही होती है, उस डिस्क की जो मोशन है, जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है जैसे ही आप उसके ऊपर कोई वेट रख देते हैं, कोई स्टोन रख दिया है, कोई ब्रेड का टुकड़ा रख दिया, कुछ भी रख दिया है, तो उसके रखने की वजह से जो है डिस्क का मास, उसका वेट इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही वेट इंक्रीज करता है तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो डिस्क रोटेट कर रही थी वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि ये मैं इस तरह से समझाना चाहती हूँ कि जैसे ये भी एक रोटेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम ही है,
फर्स्ट ले लीजिए कि अगर ये एक डिस्क नुमा है, इस पर एक आदमी बैठा होगा तो ये तेजी से मूवमेंट शो करेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर दो लोग आकर बैठ जाएं तो दोनों की वजह दोनों की डिफरेंट मैसेज हैं, इसका M1 है और इसका M2 है, तो दोनों के जो मैसेज है उनका सम इसकी ज्यादा हो जाएगा और इस जो रोटेटिंग क्रॉसिंग सिस्टम है इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो मेरी गोल राउंड है इस पे अगर दो बच्चे बैठे तो तेजी से मूव करेगा, लेकिन अगर सारे ही तकरीबन 3-4 बच्चे एट अ टाइम उस पर बैठ जाएंगे तो उसकी जो मूवमेंट करने की स्पीड है, जो एंगुलर रोटेशन शो करने की उसकी एबिलिटी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से कम हो जाएगी। जैसे कि इस तरह के झूले हो या मेरी गो राउंड वगैरह हो तो इन पर अगर थोड़े बच्चे बैठेंगे तो इसका मैस कम होगा, और जैसे ज्यादा लोग आते जाएंगे तो इन चीजों का मैस इंक्रीज करता जाएगा और झूले की जो मूवमेंट करने की स्पीड है वो डिक्रीज करती चली जाएगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के डिक्रीज होने और मैस के इंक्रीज होने से ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंपनसेट करती जाती है और हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है एल वो कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस पर एक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ये वो इस तरह के रोटेटिंग क्रॉसिंग सिस्टम की एग्जांपल हो या कोई भी बॉडी इन अ फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करें, अर्थ या मून की एग्जांपल, अर्थ या मून की ले लीजिए, अर्थ या सन की एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी डाइनिंग बोर्ड की एग्जांपल ले लीजिए, हर पोजीशन पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है उस बॉडी का वो कंजर्व रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर एक्ट ना की जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी बॉडी में बॉडी की जो मोशन है वो सेम रहती है जब तक कि कोई फोर्स एक्ट ना करे, इसी तरह उस बॉडी का सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है जब तक कि कोई टॉर्क उस पर एक्ट ना करे। तो ये हमारी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वाकई प्रूव करती हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे।